हेलो एवरीवन, माय नेम इज नमन। वेलकम बैक टू टेक प्लस गैजेट्स.कॉम। तो जल्दी से आज की टेक न्यूज के बारे में बात कर लेते हैं। तो पहली जो न्यूज है वो वन प्लस की तरफ से आ रही है। वन प्लस सेवन और वन प्लस सेवन प्रो की जो फाइनल रिलीजिंग डेट है वो ट्यूजडे को आपको पता पड़ जाएगी, ऐसा ऑफिशियल उनके सीईओ ने पैटी लियो ने ऐसा कहा है। तो इसकी जो फाइनल डेट है वो ट्यूजडे तक आपको बताने वाले, या तो फिर ट्विटर या फिर उनकी वेबसाइट पे आपको इसके बारे में जानकारी मिल जाएगी। अभी तक बहुत सारी रूमर्स थी कि ये 14 मई को या 7 मई को रिलीज हो रहा है, लेकिन अब ट्यूजडे को इसको आपको बिल्कुल रियल जो डेट है वो सामने निकल के आ जाएगी। और उनकी जो लॉन्च इवेंट जो लोकेशन है वो भी बताने वाले हैं वो। वैसे अगर लोकेशन की बात करें तो वो हमेशा की तरह न्यूयॉर्क, लंदन और इंडिया ही होता है। अब देखते हैं कि अब उन्होंने कुछ एड ऑन किया या नहीं किया, तो इसके बारे में आपको बिल्कुल क्लियर जो है पिक्चर वो ट्यूजडे को होने वाली है। तो अगर अब मैं अगली न्यूज के बारे में बात करूं तो वो होने वाली है सैमसंग की तरफ से। तो सैमसंग का जो गैलेक्सी फोल्ड था, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि वो ब्रेक हो चुका था। एक्चुअली कुछ टेक यूट्यूबर्स को उन्होंने रिव्यू करने के लिए दिया था सैमसंग ने, लेकिन एक यूट्यूबर्स ने ऐसा कहा है कि उसकी जो स्क्रीन है वो ब्रेक हो चुकी है, ग्लिच मारने लगी थी। तो इसका जो सैमसंग ने ऐसा जवाब दिया है कि मतलब सैमसंग से पूछा गया कि इसका जो है सेल पे कोई असर पड़ेगा, तो उन्होंने ऐसा जवाब दिया है कि जो ये जो हुआ है, फॉल्ट हुआ है, वो यूजर की वजह से हुआ है। यूजर ने जो है इसके ऊपर एक प्रोटेक्टिव लेयर जो है वो स्क्रीन गार्ड की तरह लगता है, तो उसको लगा स्क्रीन गार्ड है, तो उसको उसने निकाल के देखा, जिसकी वजह से स्क्रीन जो है बिल्कुल डिस्ट्रॉय हो गई। तो इसका कारण उन्होंने बताया कि ये फिजिकल डैमेज है, यूजर की तरफ से ये डैमेज हुआ है, तो इसका जो कोई असर जो है सेल पे नहीं पड़ने वाला है। लेकिन अब देखते हैं जब रिलीज हो जाएगा उसके बाद इसकी सेलिंग क्या होगी, क्योंकि इसका जो प्राइस है भाई वो नॉर्मल प्राइस नहीं है। अगर मैं इंडिया की मैं बात करूं इसके प्राइस की, तो अराउंड 1 लाख से ऊपर ही है, लाइक 1.5 लाख तक इसका प्राइस सुन रहे हैं। तो अब ऐसे में देखते हैं कि यूजर जो है इस डिस्ट्रॉय स्क्रीन को देखने के बाद इस फोन को खरीदता है या नहीं खरीदता है। तो अब अगली न्यूज पे अगर मैं बढ़ता हूँ, उससे पहले मैं आप लोगों से बोलना चाहता हूँ कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसी वीडियो जो है वो मैं आप तक लाता रहूँ। तो अगली न्यूज जो है वो है BBM की तरफ से। तो भाई ब्लैकबेरी मैसेंजर जो इतना पॉपुलर मैसेजिंग ऐप था, अब ऑफिशियली 31 मई को उसका लास्ट डे होने वाला है। अब वो 31 तारीख के बाद से शटडाउन होने वाला है, ऐसा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर BBM कंपनी ने ऐसा अनाउंस किया है कि अब वो बिल्कुल बुरी तरीके से बंद होने वाला है, शटडाउन करने वाले हैं। उसका रीजन ये है कि अब ब्लैकबेरी के जो फोन है वो बनना बंद हो गए हैं, और बनते भी हैं तो बहुत कम उनके जो फोन है वो लोग खरीदते हैं, और उनका जो ऐप है वो ऑफिशियली उनके फोन में चलता है। प्ले स्टोर पे भी अवेलेबल है, लेकिन प्ले स्टोर से कोई डाउनलोड नहीं करता है, क्योंकि उसका जो कॉम्पिटिटर है व्हाट्सएप वगैरह जो उनके इतने बड़े बड़े कॉम्पिटिटर है, जिसकी वजह से BBM जो है वो बंद हो रहा है। याहू मैसेंजर, AIM मैसेंजर की तरह अब जो है BBM जो है वो भी ऑफिशियली बंद होने वाला है। लाइक बहुत ज़्यादा बड़ी और दुखद खबर है, क्योंकि BBM एक ऐसा मैसेजिंग ऐप था जो सबसे पहले एंड्रॉयड में जो चला करता था। अगर नॉर्मल मैसेजिंग की बात करें उसके अलावा BBM जो है वो काफ़ी अच्छा जो है चलता था। तो अब नेक्स्ट न्यूज़ के बारे में अगर बात करूँ तो वो आ रही है Amazon और Google की तरफ से। तो भाई Amazon म्यूजिक और YouTube म्यूजिक जो है अब आप अपने अपने Alexa और Google होम पे इसको सुन सकते हैं। अभी तक YouTube जो म्यूजिक था वो Google पे अवेलेबल नहीं था, Google होम पे अवेलेबल नहीं था, और Amazon म्यूजिक जो है वो Alexa पे अवेलेबल नहीं था। लेकिन अब जो है उन्होंने एक साथ अपडेट दे दिया है दोनों ने, लेकिन आपको इसमें एडवर्टाइजमेंट भी सुनने को मिलेंगे। लाइक आपको बिल्कुल फ्री नहीं मिल रहा है, लेकिन आपको एडवर्टाइजमेंट के साथ ये आपको फ्री मिलेगा। आप अगर इसको YouTube म्यूजिक को अपने फोन में डालते हो तो आपको उसमें पे करना पड़ता है प्रीमियम लेने के लिए, लेकिन ऐसा कुछ गूगल होम में नहीं होने वाला है। सेम Amazon के साथ ये आपको बिल्कुल फ्री मिलने वाला है, लेकिन थोड़े बहुत एडवर्टाइजमेंट के साथ। तो अगली न्यूज निकल के आ रही है इंस्टाग्राम की तरफ से। जो अब आप इंस्टाग्राम पे जो दूसरे के पोस्ट होते हैं उस पर आप लाइक काउंट्स नहीं देख सकते, आप ये नहीं देख सकते कि उसके पास कितने लाइक्स हैं, कितने नंबर जो जितने नंबर्स होते हैं वो लाइक्स आप नहीं देख सकते हैं। उसका रीजन इंस्टाग्राम ने ये बताया है कि लाइक के कारण जो लोग हैं उस पर्टिकुलर कंटेंट को उतना इंपॉर्टेंट नहीं देखते हैं। सबसे पहले जब हम पोस्ट देखते हैं तो हम उसके लाइक देखते हैं, ना कि उसका पोस्ट देखते हैं, उसके हिसाब से उस पोस्ट को जज करते हैं। इसलिए इंस्टाग्राम ने जो है ये फंक्शनैलिटी बहुत ही जल्द अपने नेक्स्ट अपडेट में लाने वाला है कि अब आप दूसरों के जो लाइक हैं वो देख नहीं सकते हो। आप खुद के लाइक तो देख सकते हो, लेकिन दूसरों के जो लाइक्स हैं वो नहीं देख सकते। तो ये जो है बहुत बड़ा मेजर अपडेट होने वाला है इंस्टाग्राम की तरफ से। तो ये थी आज की कुछ टेक न्यूज। आई होप आपको ये न्यूज जो है बड़ी काम की लगी हो, और अगर ऐसी न्यूज आप फटाफट से जानना चाहते हैं तो इसके लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक भी करना होगा, ताकि ऐसी वीडियो जो है वो मैं आप तक लाता रहूं। तो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड पीस।